कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में तस्लीम जहां नाम की नर्स के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 33 वर्षीय नर्स तस्लीम जहां रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत थी। वह 30 जुलाई की रात से लापता थी। जब वह अपने किराए के मकान वसुंधरा अपार्टमेंट में नहीं पहुंची, तो रुद्र कोतवाली में 31 जुलाई को मृतका की बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई थी। पुलिस ने जब तलाश शुरू की और एक खाली प्लॉट में नर्स का शव बरामद किया, उसके बाद से सबके हाथ पांव फूल गए। मृतका की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मृतका के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज ने आरोपी की पहचान में मदद की। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया जो तस्लीम के साथ आखिरी बार देखा गया था। नर्स का मोबाइल बरेली में ट्रेस किया गया, जहां धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने बरेली में आरोपी की तलाश की, लेकिन वह परिवार सहित फरार हो चुका था। आखिरकार आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह मजदूरी करता है और गदरपुर क्षेत्र में काम कर रहा था। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति धर्मेंद्र और उसकी पत्नी खुशबू को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में लिया और उन्हें रुद्रपुर लेकर आए। यहाँ पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि 30 जुलाई की शाम को उसने महिला को वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क पर अकेला देखा था, जिसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर महिला को जबरदस्ती झाड़ियों में ले गया, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका सिर सड़क पर पटक दिया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आखिर में आरोपी ने दुपट्टे से ही महिला का गला घोटकर हत्या कर दी। कोई उसका चेहरा ना पहचान सके, इसके लिए उसका चेहरा पत्थर से पूछ दिया गया। पुलिस ने बताया कि शव को झाड़ी में ठिकाने लगाने के बाद आरोपी नर्स का मोबाइल और 30,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी और लेबर का काम करता है, बेसिकली लकड़ी और बल्ली पंटी का काम करता है। उस समय बिलासपुर के इलाके में लगातार 4-5 दिन काम करता था। ये इस महिला को जानता भी नहीं है, ना पहचानता है, ना पहले से पूछा क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। उस दिन शाम को वो नशा करके बैठा हुआ था रोड साइड वहां पे बिलासपुर में। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने ये देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिब्डीवा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा, तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका उसी का चुन्नी होता है, वो स्कार्फ बोलते हैं ना, तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात की टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसके बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो धर्मेंद्र चलता हुआ दिख रहा है महिला के काफी देर बाद पीछे, वही टी शर्ट, वही हमारा जीन्स मतलब कपड़े सब बरामद किया हमने। और भी बहुत सारे महिला के सामान मिसिंग है, ये कुछ कुछ कहानियां बता रहे हैं कहां कहां उसने छुपा रखा है क्या। उत्तराखंड में नर्स के साथ हुई इस भयावह घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लोग भुला भी नहीं पाए थे और ये सब हो गया। अभी उसके अपराधियों को सजा भी नहीं मिल सकी और एक नर्स के साथ ऐसी बर्बरता हुई। ये वास्तव में स्वतंत्रता दिवस मनाने का दिन है जहां कोई भी महिला या बच्चियां सुरक्षित नहीं है। वास्तविक न्याय तभी मिलेगा जब अपराधियों को कठोर सजा मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तब वह दिन आजादी का दिन कहा जाएगा।